हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप मेरे थंबनेल में अगेन देख ही लिया होगा टाइटल से, तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे जो पास बाइनोकुलर है, जीपीएस है और कंपास है। तो पहले मैं बताता हूँ बाइनोकुलर्स, ये सेलेस्ट्रॉन कंपनी की है, ठीक है, और एक कवर साथ में मिला था। और ये है वो बाइनोकुलर। तो गाइस, शिप में जो हमें बाइनोकुलर्स यूज़ करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 60% तो मेरे को जहाज़ पर जो मिलती हैं बाइनोकुलर्स, तो थोड़ी डिफेक्टिव रहती हैं। कहने का मतलब कि कभी दो दो इमेज दिखेंगी, कभी फोकस नहीं होगा। तो भाई, इसलिए मैंने अपनी पर्सनली बाइनोकुलर्स ले ली है। इसका मॉडल स्काई मास्टर, ठीक है, और ये इसकी है जो यूम है, 15-35 टाइम यूम्स है, और 70 इसका लेंस का रहता है, डाया का रहता है नंबर, ठीक है। देन ये मैं खोल के बता देता हूँ, इस तरह की है। तो इसमें ये अपनी आई को फोकस करने के लिए, और इसमें नहीं क्लियर देखे तो कम भी कर सकते हैं, ये अपने कंफर्ट के लिए, ये इसके फोकस के लिए हो गया, ठीक है। देन जो मैं बता रहा था कि नॉर्मल फोकस तो करते ही हैं, उसके बाद जैसे ये इसका एंगल मैक्सिमम इतना, और मैक्सिमम और ये मिनिमम एंगल, और ये बताता है ये फोकसिंग का, जैसे 15 टाइम है, तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग मैक्सिमम 35 एकदम जूम हो जाएगा। ये जो वो अंदर ही होगा वो आपको दिखेगा नहीं, ये वाला जो दिख रहा है ये सिर्फ इससे, ये वैसे भी ये सिर्फ ये फोकस करने के लिए इसे ये देख रहे हैं। तो आफ्टर ये दिस फोकस, हम लोग उसको और भी जूम कर सकते हैं लाइक दिस। इसके लिए ये वाला लीवर दबाना पड़ता है। तो ये हमारे शिप्स की बाइनोकुलर्स में रेयरली ही मिलेगा, जब मिलेगा ही नहीं, सिंपल वाले बाइनोकुलर्स होते हैं। तो ये है एक बड़ी अच्छी बाइनोकुलर, शिप में बड़ी अच्छी है, कभी कभी फिशिंग बोर्ड वगैरह देखने के लिए, या कुछ छोटे छोटे टारगेट जो हम दूसरे बाइनोकुलर्स से नहीं देख सकते, जिसे हम मजे से देख सकते हैं। तो अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये है मेरा एनीमोमीटर, मिनी एनीमोमीटर पोर्टेबल, शिप में तो होता ही है, बट जैसे ही बोला कि अपने में शोर की बात है, वो गैजेट्स खरीदने में जाता है। तो ये टेम्परेचर बताता है इधर का 15 डिग्री, ये अंदर हूँ मैं अभी रूम के, इसलिए बता रहे हैं। तो यूनिट्स बता रहे हैं इधर मीटर पर सेकंड, यूनिट हम नॉट्स में भी कर सकते हैं, शिप में तो नॉट्स चाहिए हमें, तो ठीक है नॉट। तो जैसे अभी इसके अंदर ब्लो करूँगा तो बताएगा, ये ठीक है 8 नॉट, जैसे कम होगा तो हम लोग स्पीड बता सकते हैं एयर की, तो वो निकाल सकते हैं ट्रायंगल से। तो इसमें भी कुछ खास नहीं, मतलब कि नॉर्मल से बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन है, यूनिट चेंज करने के लिए, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम बताता है, जैसे डिस्काउंट करके बता देता हूँ, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट चेंज की हमने, नॉट्स हो गया, ये मैक्सिमम एवरेज मिनिमम, ठीक, होल्ड करके रखने के लिए रीडिंग नहीं है। पीछे इसके अंदर 3 AAA साइज बैटरीज पड़ती है। हाय गाइस, अगली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मेरा जीपीएस, गार्मिन का है, इसका मॉडल E-Trax 30X। इसका मेन्यू बटन, ऑप्शन ऊपर नीचे करने के लिए, जॉयस्टिक है अलग अलग ऑप्शंस के लिए, बैक बटन, पावर बटन और यही लाइट का बटन है, ठीक। और इसमें 2 AA साइज बैटरी पड़ती हैं, बैटरी अभी नहीं है, मैं डाल के बता देता हूँ, इस तरह का रहेगा। बैटरीज में चार्जेस हों, क्योंकि काफ़ी देर बाद लगा रहा हूँ, चार्ज पर लगाई नहीं थी। और ये ऐसे करके लॉक हो गए, अभी देखते हैं ऑन होता है। ये ऑन हो चुका है, देखिए, तो अच्छा है। कभी कभी शिप में तो वैसे तो जीपीएस रहते ही रहते हैं, नहीं तो सेट से हम पोजीशन मिल ही जाते हैं हमें, बट अपने जस्ट अपना शौक भी है मुझे, और वैसे इनकेस
भाई कुछ बोल नहीं सकते, तो लैट लॉन्ग मिल जाता है। वैसे तो आजकल मोबाइल्स में भी इनबिल्ट GPS है, वहाँ से हम देख सकते हैं, तो मैं बहुत कंपेरिजन करूँगा बाद में। तो इसमें क्या क्या देखिए, मैप का ऑप्शन है, ये वे टू गो, वे पॉइंट, कंपास, ट्रिप कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। जैसे कभी एरिया कैलकुलेटर या दूसरा नॉर्मल कैलकुलेटर, स्टॉप वॉच, मैनुअल वॉच पोजीशन, और जैसे अभी सैटेलाइट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लैट लॉन्ग देखना चाहते हैं सैटेलाइट में गए, तो ये बता रहा है ये इधर इतनी सैटेलाइट्स हैं। वैसे ही ये मेरे MI का फ़ोन है, ठीक, मैं ज़्यादातर MI का ही फ़ोन रेफर करता हूँ, क्योंकि इनबिल्ट GPS वगैरह रहता है और इंफ्रारेड भी रहती है। तो फिलहाल मैंने कंपास को लिया, इसके कंपास के ऑप्शन में आता है, देखिए लैट लॉन्ग दिया हुआ है, और वही लैट लॉन्ग, ऑलमोस्ट सेम लैट लॉन्ग मेरे फोकस हो जा, ये देखिए, तो इधर भी है, GPS में भी है। तो ये, और देखिए कोई मोबाइल डेटा या फिर वो वाईफाई नहीं है, सब बंद किया हुआ है। तो ये इस कंपास भी इनबिल्ट है, और ये लैट लॉन्ग भी इधर से देख सकते हैं लोग MI के सभी फ़ोन्स में, और ये GPS का, ठीक है, और ये इधर से बैक। और फिलहाल इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी मैं इतना दिखाऊंगा नहीं, डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो अभी हम कंपास को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसकी कंपास खोल के रख लेता हूँ, क्योंकि ताकि जो मेरी तीसरी चीज़ जिसके बारे में मैंने थंबनेल में लिखा था, मेरी कंपास, ये मैंने एम्स्टरडैम से ख़रीदा था, सनी यूरोप से, तो नेशनल ज्योग्राफिक वालों का ये है, तो उसने इधर थोड़ा स्केल वगैरह दिए, कैसे यूज़ करना है आई डोंट नो, वो भी पढ़ेंगे तो जो यूट्यूब से देख लेंगे। स्केल दिया है 1:50,000 मीटर का, ठीक है, और ये थोड़ा डायरेक्शन को जूम करने के लिए, तो ऐसा पकड़ के हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये एनालॉग कंपास और मेरे जो गार्मिन के GPS की कंपास, मोबाइल का GPS अपना कंपास, ये सेम डायरेक्शन देते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी मेरी तरफ से नॉर्थ इधर है, ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, मैं इसको नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस कर देता हूँ, ये तो घूमता रहता है बट नॉर्थ इधर है, ठीक है, जूम कर लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ। और इसका कंपास जो मेरा गार्मिन का GPS है, ये भी नॉर्थ इसी डायरेक्शन में बता रहा है, जैसे देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम है, मैं घुमाऊंगा तो वो भी घूम जाता है, नॉर्थ इधर ही है, तो मैं इसको नॉर्थ में ही कर देता हूँ वापस, ये भी देखिए ये नॉर्थ इसकी ऐसी है। देन सेकंड मेरा मोबाइल में देखिए, ये भी इधर दिखा रहा है, जैसे ऐसे मैं चेंज कर रहा हूँ हेडिंग, ये भी चेंज होते बट नॉर्थ मेरा इधर ही है, तो ऑलमोस्ट मोर लेस सेम ही बताएगा ये, तो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, ठीक है। और जो मेरे पास अमेज फिट की T-Rex 2 है, जिसके ऑलरेडी मेरी दूसरी वीडियो में आपने देखे होगा मेरी वॉच के कलेक्शन में, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, हाँ इसमें हम बैरोमीटर भी देख सकते हैं, बट चलो हम कंपास से कंपेयर करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये देखिए, ये भी मेरा नॉर्थ इधर ही दिखा रहा है, जैसे जहाँ की बाकी की डायरेक्शन है, तो ये भी वही है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास जो जितने मीन्स हैं, एनालॉग कंपास, हमारा GPS, मोबाइल का जो कंपास है, और मेरी वॉच का कंपास, तो ऑलमोस्ट सेम ही हेडिंग है, तो ऑल दे वर्किंग फाइन। अगली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ यह है कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेजरिंग इक्विपमेंट। तो ये इसका प्रोब है, सेंसर इसके आगे लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आप देख पाएंगे तो सेंसर है, तो इसमें कुछ नहीं है, वही है, ट्रिपल एस साइज 36 पड़ती है, एंड ऑन करो, ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहा है, अभी तो जम्मू में वैसे ठंडी फॉग वगैरह है, तो उसकी वजह से बता रहा होगा। टेम्परेचर वही पहले ही 15 बता रहा था, ये भी 15 बता रहा है, एंड ये इधर वही फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, ये मैक्सिमम, मिनिमम और ये नॉर्मल,
फोल्ड, बटन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। हम लोग ऐसे शिप में यूज़ नहीं कर सकते इसको, मतलब कर सकते हैं बट हमें यूज़ ही नहीं करते, यूज़ पड़ती नहीं है इसकी। तो हम लोगों को जो चाहिए होता था बायोमेट्रिक प्रेशर, वो आजकल वॉच में आता है, ठीक है, एंड टेम्परेचर भी हमें मिल ही जाता है बाहर से फ्रिज में। तो जस्ट एनीमोमीटर रखा है अपने छोटे लिए इंडिया में अपने यूज़ करने के लिए। कभी ड्रोन उड़ाना पड़ता है, देखने पड़ते हैं हवा ज़्यादा ना हो कम हो उस हिसाब से। क्योंकि मैं बता ही सका था कि पहले मेरी एमएज फिट में हम लोग कंपास भी यूज़ करते थे, कंपास ऐसा है। तो ये मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट के लिए कितना एंगल किधर है, इसके लिए ये ऑप्शन है नॉर्थ और साइड। कैलिब जब स्टार्टिंग में काफ़ी देर बाद यूज़ करो तो कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन आता है। सेकेंड बैरोमीटर, जैसे मैं बता रहा कि हमारा अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, अल्टीट्यूड इतना है, तो ये इसमें मिल जाएगी। तो अपने वॉच के हिसाब से लॉकडाउन करने के लिए ये काम की चीज़ें हैं इधर, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ।